नमो राम गुरुदेव जी, नमो राम गुरुदेव जी। और जन त्रिकाल के बंधन, जन दरिया बंधन करे, ओ नमो नमो भगवन तो। माला रे टोपी सुमरण, माला टोपी सुमरण, और मेरे सतगुरु दीपक शीश, पल पल गुरु को वंदना। अरे मैं चरण निवा ए, अरे गूंथी लाइए माडन से वरा, ओ अपने सती गुरा ताई मेरा बाबा रे लुभाया।
लो सिवा अरे आबो नी पाच सजे दिया गुरु जी लो आची लो सिवा ए क्या सी म्यारे क्या अरे कूती लाइए मालन सेवरा है पीनती
मरी सायपी राजी ए भाई अमन सतगुरुदेव की सच्चिदानंद घन भगवान की सत्संग गंगा की अपने सतगुरां ता ही जैसे कि अपने कोई घरे जो कुमारा संत पधारे संतरो पदार्पण हुए आपा बारो कहीं करो के बाबू आदर सत्कार किया करो जन आदर सत्कार रे मा सर्वे प्रथम पुष्प अर्पित करके एर महाराज बारो मान सम्मान करा जन आठ बाईस लिखे के गूंथ लाई मालन सेवरा सेवरो के गजरे ने सेवरा और अपने सतगुरां ताही भाई मारे संत पदारोड़ा है और संतरो पदार्पण वियो है ए महाराज संत जद ही अपने घर पधारे के बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखियो है के जगी टेम्बर मा हनुमान जी महाराज विभीक्षण की कुटी में प्रवेश कियो ने भी टेम्बर मा विभीक्षण जी महाराज ने हनुमान जी पूछो जन बाबा चौपाई लिखी है के लंका निश्चिर निकर निवासा और यहाँ कहाँ कर सज्जन तू वासा ए महाराज थे क्यों आ एक राक्षसान बीच में जो को महाराज एक संत है जो को थारो निवास किया है जन विभीक्षण जी महाराज बड़ो सुंदर अर्ध जवाब दियो विभीक्षण जी महाराज हनुमान जी ने कहे के सुनव पवन सुत रेणी हमारी और के जिमी दसन नहीं महु जीव बिचारी जिया दाता रे बीच में जीव्या ज्यू आ राक्षसान बीच में क्यों मारो निवास है बाकी मन एक बात तो बड़ो भारी भरोसो ही है हनुमान जी पूछे वो कहीं है के अब मोहे बा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता राम जीरी पूर्ण कृपा बिना आपारे घर में महाराज कोई संतरो पदार्पण नहीं वे आपन आज भी सत्संग सुनने रे वास्ते और सत्संग गाने रे वास्ते नहीं मिले महाराज आज आप इस सत्संग रे पंडाल में विराजमान तो यूं समझनो चाहिए कि अपार माथे राम जीरी कोई पूर्ण कृपा है महाराज और वो ही सत्संग ने सुन सके जगेर माथे परमात्मा की पूर्ण कृपा है लार लो सुन कौन सके जन अठ बाई साली क्यों है के सरोवर पानी में गई और एक अचरज देखा और एक कमल दो पंखिया और वहां मेरा भंवर लुभाया अरे गूंत लाई मारन सेवरा के अपने सतगुरां ताही जन महाराज अठ पांच सखियां बेड़ी होकर के काई विचार करे जन अमना भाई साली क्यों है के आवो नी पांच सहेलियां और गुरु जी रो अचलो सिवा मा क्योंकि जितने ताई अपनी पांच ज्ञानेंद्रियां है जकी कंट्रोल नहीं है नी जितने महाराज आप और आबात समझ में आवो को नी जन आठ है लिखे के आवो नी पांच सहेलियां गुरु जी रो अचलो सिवा मा जन बे के क्या सीमिया क्या सीमना और गुरु जी री अंग लिपटावा गूंथ लाई मारण सेवरा और अपने सतगुरां ताही
तो फिर महाराज कहे कि आज दराऊ दी से दूंदड़ा अरगेरी बिजल चमके अरमन दिखे कोई अरीरा अरिजन आंता जो कुडाई मारी आंख फरू के ईसा मन कोई सुगन मिले के आज मारे घर कोई संतरो महाराज पदार्पण होने वालो है। तो फिर वाईसा लिखियो है के डोर लगी निज नामरी अरे सतगुरु जी सु साची अरे के भाई अमनारी है विनती। तो आज मौपर साहिब है राजी अरे गूंत लाई मालन सीवरा अपने सतगुरां ताही। तो जिते ताई आपा ओ मनुष्य दे दार करके अरे महाराज कोई संतरो सानिध्य अपने नहीं मिलियो है संतरी अगर दे शरणागति नहीं मिली है जिते ताई महाराज बात भी तो काची है जन आपा ने गुरु करनो अनिवार्य है। इयो तो विद्या गुरु तो महाराज बहुत हुए के प्रथम गुरु माता पिता है बस आपा ने शिक्षा मिले और दूसरे मां महाराज विद्या गुरु हुए जब उसको विद्या सिखावे और अगर जे कोई काम धंधो सिखावे तो वही गुरु है। पर सतगुरु सतगुरु किन्ने कहे सतगुरु जगे नहीं कहे के जो सत्य की राह दिखाने वाला है ओ संसार है जके सु आपा सब है जका आ माया है संसार है जकी इर तो आपा सन्मुख और भी परमात्मा जको सत्य है बीर आपा है जगा विमुख। तो इस संसार सु विमुख करके और परमात्मा ने सन्मुख करनो ही संतो का मेरे भी नहीं महाराज सतगुरु धारणा करनो सही है। अर वैसे महापुरुष लोग के भी गुरु एक शब्द रो ही नाम गुरु है जो शब्द ही है। तो अठे अपन